तो ये है ट्रिमल R12 मॉडल। अच्छा, तो इसके अंदर ही आपका रिसीवर प्लस रेडियो सब कुछ है, और वो आपका लगा हुआ है रेडियो का एंटेना। तो ये वाला ना? हाँ ये वाला। अच्छा, वो रेडियो एंटेना है, और ये जो कर रहा है कि ट्राइबेज के ऊपर लगा हुआ है, नीचे का जो पॉइंट है हमारा 6 लिखा हुआ, फिर GPS 6 है, GPS नहीं लिखा, बस 6 लिख के चला गया। अच्छा, हाँ हाँ। तो उस पॉइंट को ये हर सेकंड मेजर कर रहा है। ऊपर जो हमारा आसमान में जितने भी सैटेलाइट है, चाहे चाइना का बाइडू हो गया या फिर क्लोनास हो गया आपका रशिया का, यूरोपियन यूनियन का जो सैटेलाइट है, जितना भी सैटेलाइट है, अमेरिका का GPS है, तो सब कुछ ये खींच रहा है। खींच के ये पॉइंट को मेजर कर रहा है और एक ये करेक्शन बना रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी हमारा सैटेलाइट होता है उसमें एक ट्रायंगल ए फॉर्म करता है। अच्छा, ट्रैक करने के बाद तो उससे एक पॉइंट इसको मिलता है, वो ट्रायंगल बनाने के बाद एक करेक्शन उसको मिलता है, करेक्शन में उसको एक पॉइंट मिलता है आसमान। अच्छा, में हाँ हाँ। जैसे TS में हमको दो पॉइंट चाहिए तभी TS काम करेगा, तो इसको भी दो पॉइंट ही लगता है। हालांकि तो एक पॉइंट इसका बनता है आसमान में। अच्छा, और जो करेक्शन मिलने के बाद जो उसको लोकेशन मिलता है वो एक पॉइंट बन गया, और नीचे का जमीन का एक पॉइंट। अच्छा, मिल गया, मतलब इसका टोटल दो पॉइंट बन जाएगा। दो पॉइंट बन गया, दो पॉइंट को अब उसके हिसाब में वो तीसरे पॉइंट मारेगा जो हमारा रोवर लेकर गया। हाँ। तो ये दो पॉइंट की जो रेफरेंस है, रेफरेंस लेके वो रोवर का एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। अच्छा, रोवर मतलब आपका रिसीवर पॉइंट। हाँ, रिसीवर जहाँ पर आपने को एक पॉइंट वगैरह छोड़ना है वो वाला। हाँ हाँ, उसमें भी आपका लेगा, प्रिज्म पोल के साथ ले गया, इस तरह का रिसीवर है उसमें, उसमें भी आपका रेडियो एंटेना वगैरह लगा हुआ है। अच्छा, तो उसका काम एक ही, यही एक ही चीज़ है कि ये जो सिग्नल भेज रहा है उसको कैच करना है, और वो जो इस लोकेशन पे प्रिज्म रॉड है उसका लोकेशन मेजर करना है, बस इतना ही है। हाँ। करेक्शन भेजना, उनका काम है करेक्शन को खींच के फिर जिस जगह। अच्छा। पे है उसका मेजरमेंट लेना। और एक बार वो एक बार बताइए ना, मतलब ये जैसा अपना TS वर्क करता है और Autolevel वर्क करता है, तो यदि अगर अपने को रोड का पॉइंट वगैरह लेना होगा कोई, तो TS और Autolevel जो है उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। अच्छा। इसका एक्यूरेसी मतलब ये उतना MM पे काम नहीं कर सकते जैसा कि ये फास्ट काम करेगा उनसे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका सिग्नल का वजह से कभी। अच्छा। कभी सिग्नल अप डाउन जैसा होगा, इसका जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी होगा वो भी घटेगा पड़ेगा। अच्छा, तो TS जो होता है MM में एक्यूरेसी देगा, DGPS भी MM में एक्यूरेसी दे देगा, लेकिन इसका पॉइंट, इससे आप जितना बार एक पॉइंट को मेजरमेंट करेगा उतना बार अलग अलग रीडिंग आएगा। अच्छा, फिर भी 5 से 10 mm के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे फैक्टर इसके सिग्नल के खराब होने का मामले में काम करते हैं, जैसे कि आसमान में अगर हेजी क्लाउड हो गया, बैड फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट हो गया, या फिर आपका टिल्ट ओवर हो गया, किसी कारण हो सकता है बबल हिल गया, तो ये सारे कारण के चलते और भी बहुत कुछ होता है, ग्रेविटी फैक्टर भी काम करता है, अर्थ का रोटेशन भी काम करता है, प्लस आपका जियोड मॉडल भी हो गया। अब मान लीजिए जिधर जो जियोड मॉडल है उसके हिसाब से अगर आपका सेटिंग नहीं है तो भी आपका लेवल में एरर आएगा, नहीं तो ये आपको 5 से 10 mm के अंदर मेजरमेंट दे देगा। अब TS जो काम करता है, Autolevel जो काम करता है सारे काम ये कर देगा, लेकिन वही एक्यूरेसी अगर ज़्यादा चाहिए तो ये उतना उन लोगों की तरह एक्यूरेसी नहीं देगा। अच्छा, लेकिन वो दोनों का काम ये अकेले कर देगा। और इसका एक बार प्राइस भी बता दीजिए ना। इसका प्राइस दोनों सेट मिला के है 16 lakh है। अच्छा, मतलब ये एक पार्ट रहेगा और दूसरा एक पार्ट रहेगा। हाँ, दूसरा एक पार्ट रहेगा, दोनों का प्राइस है 16 lakh। अच्छा, अमेरिकन मॉडल है, ट्रिमबेल भी अमेरिकन कंपनी है। अच्छा, तो DGPS बोलते हैं। हाँ, इसको DGPS फुल फॉर्म है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS हो गया आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसका एक्यूरेसी हम लोगों को मिलता है वही 10 से 15 meters के अंदर, लेकिन इसका एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा 10 से 15 mm के अंदर मिल जाएगा। आपने कोई लोकली सर्वे करने के लिए, लोकली सर्वे करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सर्वे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि RL वगैरह छोड़ने के लिए भी अपन, किधर भी आपको TS के लिए अगर कंट्रोल पॉइंट बनाना है तो इससे बेहतर बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है किधर भी अगर ब्रिज बन रहा है तो DGPS का इस्तेमाल तो होना ही है, क्योंकि ब्रिज अगर लॉन्ग है तो उसमें TS काम नहीं कर पाएगा, पानी के ऊपर TS नहीं रख पाएगा, लेकिन एक किधर भी जाके काम करके आएगा। बराबर, अगर एक्यूरेसी के बारे में सोचिए तो एक्यूरेसी कम देगा, लेकिन काम ये बड़ा अच्छा बड़ा करेगा। जितना भी बड़ा बड़ा ब्रिज का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिधर भी मान लीजिए 22-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर
तो उधर हम बगैर DGPS के काम के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अलाइनमेंट ही हम लोग नहीं बना पाएंगे जब तक DGPS नहीं जाएगा। तो उधर ये एक्यूरेसी के मामले में भले ही Autolevel और TS से पीछे है, लेकिन जिधर वो लोग काम नहीं कर सकता, इधर ये जाके काम कर देगा। चलो ठीक है सर, बस एक ही इसको ज़रूरत है, इसका सिग्नल का प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम है। सिग्नल अगर इसको ठीक ठाक मिलेगा तो ये बढ़िया काम करेगा, नहीं तो दिक्कत कर सकता। बस ठीक है सर, थैंक यू आपकी इन्फॉर्मेशन।